अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 27 फरवरी 2021 मुताबिक 14 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद खबरों की जानिब रुख करने से पहले नाज़रीन एक ऐलान समाज फरमा ले कि आज यानी 14 रजब यानी 27 फरवरी बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे अलमास मैरिज हॉल नेपियर रोड कॉलोनी ठाकुरगंज लखनऊ में हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर एक तरह मुकासिदे का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरम प्रोफेसर शारिब दौली साहब करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर असद अब्बास साहब तशरीफ लाएंगे। इस प्रोग्राम में यूनिटी कॉलेज के तलबा मनकबत और हजरत अली और उनकी साइंसी फिक्र उनवान के तहत 5-5 मिनट के अपने मकाले भी पेश करेंगे। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के साथ साथ मिलपुरम पार्लियामानी हल्के के लिए जिमनी इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तफसीली जानकारी दी और शुरू में ही ये बात वाजे कर दी कि मुख्तलिफ त्योहारों बोर्ड इम्तिहानात मई में शुरू होने वाले हैं, इसलिए मई से पहले ही सभी रियासतों में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल करने का फैसला लिया गया है। बाद सुनील अरोड़ा ने जानकारी दी कि केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी मरकज के जेर इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इन तीनों ही मकामात पर वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। आसाम में 3 मराहिल यानी 27 मार्च, यकुम और 6 अप्रैल और मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा 8 मराहिल यानी 27 मार्च, यकुम अप्रैल, 6, 10, 17, 22 और 26 और 29 अप्रैल में वोटर्स अपनी हक रायदेही का इस्तेमाल कर पाएंगे। मेलपोरम पार्लियामानी हल्के के लिए जिमनी इंतखाबात में वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। मगरबी बंगाल में 8 मराहिल में असेंबली इंतखाब कराए जाने के फैसले से नाराज ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी को किसी भी हाल में जीत नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, रियासत को बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ, 8 मराहिल में इलेक्शन कराए जाने पर भी हम ही जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि हम 5 रियासतों में इंतखाब लड़ेंगे और अच्छा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस को फतह नसीब हो। मुल्क में कोरोना वबा से सबसे ज्यादा संगीन तौर पर मुतासर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 8,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं और फाल मामला में 3,300 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा शुमार किया गया है। मरकजी वजीर सनअत और तजारत पीयूष गोयल ने जुमे के रोज कहा कि कौमी सतही तालीमी पॉलिसी में इनोवेशन, कारोबार को फरोग और हुनर की तरक्की पर जोर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी बच्चों को तालीम देने के तरीके को बदल देगी। तालीम और इल्म को फरोग देने की चाहत इस पहल को नई कुव्वत देगी, जिससे हिंदुस्तान दुनिया की ज्ञान राजधानी बन जाएगा। मशरकी लद्दाख के इलाके पेंगुइंग लेक में वाकई एक्चुअल कंट्रोल लाइन यानी LAC पर हिंदुस्तानी और चीन अफवाज के इनखला पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिंदुस्तान ने चीन से LAC से बकिया फौज की जल्द वापसी पर जोर दिया और कहा कि सरहद पर अमन इस्तेकाम की बहाली के बाद ही दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वजीर खारजा SJ शंकर ने चीनी वजीर खारजा वांग पी से 75 मिनट यानी तकरीबन 1.25 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत में सरहदी सूरत हाल के साथ साथ हिंद चीन दो तरफा ताल्लुक का भी जायजा लिया। अवधनामा में आज मुतअद्दिद इश्तिहारात भी शाये हुए हैं। एक इश्तिहार मरहूम सैयद हसनैन असगर आबदी की मजलिस शशवाही का है। ये मजलिस 28 फरवरी बरोज इतवार 10 बजे सुबह हुसैनी इमाम बारगाह अलीगंज लखनऊ में मुनक़िद होगी, जिसको मौलाना सैयद सबीउल हसन खिताब फरमाएंगे। दूसरा इश्तिहार रमीज मुर्तजा की मजलिस चेहलुम का है। ये मजलिस भी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे मस्जिद पड़ायन अमीनाबाद में मुनक़िद होगी, जिसको मौलाना तस्दीक हुसैन साहब खिताब फरमाएंगे। हज ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मेहंदी टूर एंड ट्रेवल्स का एक इश्तिहार भी यहाँ मौजूद है, जिसके मुताबिक हज के लिए 5 जुलाई, 9 अगस्त यौम आशूरा के मौके पर करबला में और 40 के मौके पर करबला जाने के लिए 19 सितंबर की तारीख दर्ज है। मजीद मालूमात के लिए www.mehndi-tours.com या 9819394814 पर राब्ता किया जा सकता है। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासिबत से मुतअद्दिद प्रोग्राम की खबरें भी शाये हुई हैं। इदारे तंजीमुल मकातिब के ज़ेरे इहतमाम माने तंजीमुल मकातिब हॉल गोलागंज में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर जश्न मौलूद काबा और तकसीम इनामात मुनक़िद हुआ।
मौलवी निसार हुसैन ने तिलावत कुरान करीम से जश्न का आगाज किया। मौलवी मोहम्मद सादिक ने ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ी। कुरान इमाम अली की नज़र में के उनवान पर मौलाना मोहम्मद रजा ने अपना मकाला पेश किया। मौलाना सफदर अब्बास और मौलवी अली मोहम्मद नकवी, मोहम्मद सलमान, मौलाना सैयद जफर अब्बास और मौलाना एजाज हुसैन ने बारगाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया। मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी और मौलाना सैयद मुमताज जाफर नकवी ने तकारीर पेश की। जश्न में निजामत के फरायज मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी ने अंजाम दिए। मुबारकपुर में सालाना जश्न मौलूद काबा और सेमिनार के साथ साथ नजर मौला का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना इब्ने हसन अमलवी वाइस बानी और सरपरस्त हसन इस्लामिक रिसर्च सेंटर मुबारकपुर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मकामी बरेली हजरात ने शिरकत फरमाई। मस्जिद अबू तालिब महापत दुबग्गा में जश्न मुर्तजा के उनवान से एक महफिल मुखासदा का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। महफिल को मौलाना मोहम्मद रजा अहलिया ने खिताब किया। इदारे मकसद हुसैनी कश्मीरी महल्ला की जानिब से भी शब विलादत अमीर मोमिनीन अलैहि सलाम के मौके पर मस्जिद कदम रसूल में एक महफिल मसरत का इनेकाद किया गया था। महफिल को इदारे के सदर मौलाना रजा हुसैन ने खिताब किया। वही मदरसे अब्बासिया फैजुल नबी पुराना तोप खाना बालागंज लखनऊ में जश्न मौलाए कायनात का इनेकाद इंजीनियर मोहम्मद उमर फैजी, मैनेजर इदारे की सदारत मौलाना मोहम्मद आजम कादरी की निजामत में हुआ। प्रोग्राम का आगाज कारी मोइन लखनवी ने तिलावत कुरान पाक से किया। डॉक्टर रिजवानुर रजा कारी मकतूब मंजर मौलाना सुहेल अशरफी ने नात व मनकबत का नजराने अकीदत पेश किया। मुकर्रर खुसूसी के तौर पर मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी, प्रिंसिपल मदरसे शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया अबरार ने शिरकत फरमाई। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान नई दिल्ली के इश्तराक से मसीहा उर्दू सोसाइटी के जेर एहतमाम एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद बनवान कृष्ण चंद शख्सियत फिक्र फन किया जा रहा है। प्रोग्राम के कन्वेनर डॉक्टर मसीउद्दीन खान ने बताया कि इस सेमिनार की सदारत अथर नबी करेंगे, जबकि डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम, जियाउल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर यासिर जमाल, इरफान अहमद समेत कौमी सतह के कई दानिश्वर और स्कॉलर्स अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस मौके पर मसीहा उर्दू सोसाइटी की जानिब से प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी, डॉक्टर बबीता जायसवाल, जावेद आजाद और वसीम हैदर को उनकी मजमू खिदमात के इतराफ में एजाज से नवाजा जाएगा। ये प्रोग्राम 27 फरवरी को प्रेस क्लब लखनऊ में दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मुद्दत कार में तौसी को मंसूख करते हुए 28 फरवरी 2021 तक नए बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया था। वक्फ बोर्ड के इंतखाबी अमल का आगाज हो गया और वोटर लिस्ट नोटिस बोर्ड पर शाये कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत भी यहाँ शाये हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 की फोकस टेस्टिंग किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जाँच के काम कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में अहम किरदार निभा रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रियासत में यौमिया 1,25,000 से कम टेस्ट ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ रियासतों में कोरोना मामलों में इजाफे की पेश नज़र रियासत में मजीद एहतियात बरती जाए। उत्तर प्रदेश में बैरूनी रियासतों से आने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन की जरूरत के मुताबिक बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। वजीर आला ने यह भी बताया कि कोरोना से रोकथाम और इलाज के तहत मौसर बंदोबस्त बरकरार रखा जाए। अजला में कायम इंटीग्रेटेड कमांडेंट एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी फालियत से चलाया जाए। लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में मुसलसल बेदार किया जाए। वहीं वजीर आला ने लह में फराइज के अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले जिला मऊ के फौजी जवान गणेश यादव की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए आजहानी यादव के अहले खानों को 50 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद फराहम करने का भी ऐलान किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी फारसी के साबिक सदर प्रोफेसर अब्दुल कादिर जाफरी के इंतकाल पर शोबे में एक ताजियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मौजूदा सदर शोबा प्रोफेसर सालिया रशीद ने अंजाम दी। जहानुमा की शायद खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान की नेशनल कांग्रेस के सदर अब्दुल लतीफ ने अफगानिस्तान में नाअमनी को इस मुल्क में अगियार की बेजा मुदाखलत करार देते हुए कहा कि अमरीका और बाज़ दीगर इलाकाई ममालिक की बेजा मुदाखलतों ने अफगानिस्तान में अमन अमान को मुतासिर किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के आलमी उमूर के नुमाइंदे हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान से तेहरान में अफगानिस्तान की नेशनल कांग्रेस के सदर अब्दुल लतीफ ने मुलाकात की। होने वाली मुलाकात में हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने अफगानिस्तान की सलामती को ईरान की सलामती करार देते हुए अफगानिस्तान में कौमी वहदत पर ताकीद की और कहा कि अफगानिस्तान में अमन व अमान कौमी वहदत और तमाम सियासी जमातों के तआवुन से ही बरकरार हो सकता है। अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अफगान अवाम की भलाई नहीं चाहता, इसलिए बुनियादी आइन पर अमल दरामद और अफगान ग्रोहों में इत्तेहाद की जरूरत है और अफगान अवाम अपने इत्तेहाद के जरिए ही इस मुल्क से दहशतगर्दी और बदअमनी को खत्म कर सकती है।
IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने एक ट्विटर बयान में ईरान के खिलाफ अमरीकी रफ्तार और किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमरीका की मौजूदा हुकूमत भी साबिका हुकूमत के नक्श कदम पर गामजन है और अमरीका के रवैये में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान ने मुश्तरका एटमी मुआहदे में अपने वादों पर मुकम्मल अमल किया, लेकिन जब अमरीका और 3 यूरोपीय ममालिक ने अपने वादों पर अमल नहीं किया तो ईरान ने भी बतदरीज अपने वादों में कमी कर दी। अब अगर अमरीका और यूरोपीय ममालिक मुश्तरका एटमी मुआहदे पर अमल करते हैं तो ईरान भी अमल करेगा। वहीं एटमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और उससे खुद सराहना तौर पर अलहदगी अख्तियार करने वाला अमरीका अब IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में ईरान के खिलाफ दीगर मुल्कों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया ने ईरान मुखालिफ पॉलिसियों का सिलसिला जारी रखते हुए दीगर मुल्कों से दरख्वास्त की है कि वो ईरान की एटमी सरगर्मियों में इजाफे के बारे में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वाशिंगटन की पेश करदा करारदाद की हिमायत करे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इस करारदाद में दावा किया है कि बकौल उनके अगर ईरान एटमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू कर दे तो अमरीका भी इससे मिलते जुलते इकदामात के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के बादशाह से टेलीफोनिक गुफ्तगु की जिसमें यमनी अवाम के खिलाफ आले सऊद की जंगी जराइम की जानिब कोई इशारा किए बगैर यमन पर हमले बंद करने और इंसानी हकूक के मामलों पर तवज्जो देने की अपील की गई है। बयान के मुताबिक जो बाइडेन और सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के दरमियान बातचीत में सऊदी अरब की हिमायत जारी रखने के हवाले से अमरीकी अहद का भी इरादा किया गया है। बयान में कहा गया है कि बाइडेन और सलमान ने बाहमी दिलचस्पी के मामलों और मुश्तरका खतरात के बारे में एक दूसरे के साथ तआवुन जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।